समाजशाला में आज बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी तकनीक की मदद से बेहद सुरक्षित बनाया जाता है। दुनिया भर में आज लगभग 6000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलन में है। बिटकॉइन इसका एक उदाहरण है। दरअसल बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसियाँ किसी भी वित्तीय संस्था, बैंक या सरकार के अधीनस्थ नहीं होती। ये स्वतंत्र होती हैं और इनका खुद का एक ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। उसी ब्लॉकचेन के तहत ये कार्य करती है और क्रिप्टोग्राफी तकनीक की मदद से इसको बेहद सुरक्षित है, यानी इसका तोड़ पाना मुश्किल है। हैकर्स के लिए भी इनको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये गणितीय मॉडल पर काम करती है। गणितीय मॉडल से आशय है कि इसके अंदर जो कोडिंग की जाती है वह बेहद मुश्किल होती है और यूनिक होती है। लेन देन के अंदर जब क्रिप्टोकरेंसी का चयन किया जाता है तो एक प्रकार का ब्लॉक बनता है और अगली बार जब हम फिर से लेन देन करेंगे तो एक ब्लॉक और जुड़ जाता है। इसलिए एक ब्लॉक चेन की एक श्रृंखला बन जाती है, इसलिए इसको ब्लॉक चेन तकनीक भी कहा जाता है। जब तक हैकर्स किसी एक ब्लॉक को सुलझाता है तब तक अनेक प्रकार के ब्लॉक और जुड़ जाते हैं और बिना ब्लॉकों की श्रृंखला को हैक किए क्रिप्टोकरेंसी को हैक कर पाना मुश्किल है, इसलिए इसको हैक कर पाना असंभव माना जाता है। हाल के वर्षों में भारत सहित दुनिया भर के कई हिस्सों में जो खाते पीते लोग हैं वे अपने लेन देन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने लगे हैं और उनके अंदर एक सनक पैदा हो गई है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के अंदर विभिन्न विज्ञापन है, इंटरनेट है या सोशल मीडिया यह बताता है कि आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं और जो आप पैसा कमा रहे हैं वह किसी बैंक के अंदर जो ब्याज बनता है या किसी अन्य शेयर बाज़ार की तरह से आप पैसा कमाते हैं उसकी तुलना में क्रिप्टोकरेंसी से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए इनकी सनक बढ़ रही है। तो अन्य देशों की तरह भारत के भी खाते पीते लोगों ने मजदूरों के शोषण से की गई जमा पूंजी को क्रिप्टोकरेंसी के अंदर लगाया है। अनेक लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गए हैं और कुछ इस जुए के अंदर हार भी गए हैं। RBI ने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा दिया था, लेकिन मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे इस पाबंदी को हटा दिया। उसके बाद से भारतीयों ने बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर निवेश किया है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ भारतीयों ने 75,000 करोड़ रुपया इसके अंदर निवेश किया है। इस वजह से क्रिप्टोकरेंसी का जो बुलबुला है वह ऐसा लगता है कि लगातार फूलता जा रहा है। इससे पहले कि यह बुलबुला फटे या इसके कोई अन्य नुकसान सामने आए, भीषण नुकसान, उससे पहले ही भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अंदर या तो इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा या इसको विनियमिता के अंदर ले लिया जाएगा, यानी सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। इसके अतिरिक्त आज के दौर में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग गैरकानूनी ढंग से ड्रग्स की या हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता रहा है। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी खुद तो बेहद सिक्योर होती है, ब्लॉकचेन के अंदर होती है, लेकिन इसकी मदद से ही जो डार्क वेब बनाकर विभिन्न प्रकार के हथियार और ड्रग्स खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए इसके जो बहुत बड़े नुकसान वो सामने आ रहे हैं। ऐसा कर्नाटक के अंदर ही एक व्यापारी पकड़ा गया है जिसके पास से हज़ारों क्रिप्टोकरेंसी बरामद हुई है। तो बिटकॉइन के ऊपर एक व्यापक बहस आयोजित की जानी चाहिए, युवाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि देश का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, मजदूरों के शोषण से की गई कमाई है, वह इस तरह गैरकानूनी ढंग से किसी अन्य चीज़ों के अंदर ना लगाई जा सके। देश के विकास पर इसका खर्चा किया जाना चाहिए। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।